अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसजी किचन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स हमारे घरों में ब्रेड बच जाती है और हमें समझ नहीं आती हम इस ब्रेड को किस तरह यूटिलाइज करें, तो आज हम लेफ्ट ओवर ब्रेड से बहुत ही मज़ेदार से पकौड़े बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को। फ्रेंड्स मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया, इसे पानी में इस तरह से डिप करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम इस तरह से निकालेंगे और इसे हम इस तरह से निचोड़ लेंगे। अच्छे से इसे हमने निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद इसे हम एक बॉल में रख देंगे। इसी तरह बाकी तमाम ब्रेड को भी डिप करते जाएंगे और निचोड़ निचोड़ के रखते जाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें सबसे पहले 2 टेबलस्पून टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को जैसा कि मैंने चॉप कर लिए है, और 2 टेबलस्पून इसमें चॉप किया हुआ प्याज, थोड़ा सा फ्रेश सब्ज धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून साबुत धनिया। इसको इस तरह से मसल कर डाल देंगे। अब हम इसे हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का सा मैंने इसे मिक्स किया है। अब इसमें 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। अब इसे मज़ीद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर बन गया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसके पकौड़े बनाते जाएंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था। और पकौड़ा बनाने से पहले आपने हाथों को हल्का सा ऑयल लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर लाइट ब्राउन होगा हम इसकी साइड को चेंज। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। 1 बाय 1 इसी तरह सबकी साइड चेंज करते जाएंगे। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे और पकौड़े हमारे ये तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह से फ्रेंड्स इसका कलर बहुत ही अच्छा है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स माशाल्लाह से हमारे लेफ्ट ओवर ब्रेड के मजेदार से पकोड़े तैयार हो गए। ये आप देख सकते हैं बहुत ही मजे के शानदार ये पकोड़े तैयार हुए हैं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।